बतौर राष्ट्रपति बाइडन ने पहले हफ्ते में 7 वर्ल्ड लीडर से की बातचीत, इनमें भारत, इसराइल और सऊदी नहीं। अमेरिका में 1 फरवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क जरूरी, पाकिस्तान ने 6 देशों की यात्रा पर रोक 28 फरवरी तक बढ़ाई। यूएन में पाकिस्तान ने कहा किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भारत हमारे खिलाफ कर सकता है ऑपरेशन। अफगानिस्तान में आतंकी हमला, मिलिट्री बेस पर कार बम से अटैक में 8 सैनिकों की मौत, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान को अब नसीब होगी कोरोना वैक्सीन, चीन से पहली खेप लेने जा रहा विशेष विमान। पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख बहुत दुखी हुआ देश। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में बदलाव के बाद फूटे बगावत स्वर, मनोज कुमार कुशवाहा को सौंपी गई कमान। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को फिर लगा झटका, बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के 5 बड़े नेता। प्रशांत किशोर पर ममता से लड़ गई थी वैशाली डालमिया, अब बीजेपी का थामा दामन। जॉब के नाम पर राज्य से 40,000 में बेची जाती थी लड़कियां, अब तक 500 से ज्यादा का सौदा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने की दी परमिशन। AIMIM चीफ ओवैसी ने कांग्रेस को बताया बैंड बाजा पार्टी, बीजेपी की बी टीम कहने पर ममता पर भी किया पलटवार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा फरवरी से पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, 2 शो के बीच रखना होगा समय। लखनऊ में राजभर और शिवपाल यादव की मुलाकात, असदुद्दीन ओवैसी ने फोन पर की बात। मुंबई पुणे हाईवे पर खुलेआम लहराए पिस्तौल से फाली बैग, बोली शिवसेना ने बना दिया लालू का बिहार। CBSE ने दिए स्टूडेंट्स को राहत, अब 10वीं में विद्यार्थी नहीं होंगे फेल। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान, आज से 50 लाख लोगों को काम का लक्ष्य। बंगाल चुनाव में अमित शाह की जगह स्मृति ईरानी करेंगी हावड़ा में रैली, राजीव बनर्जी समेत TMC के 3 नेता थामेंगे भाजपा का झंडा। झारखंड से UP, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली सड़कें होंगी विकसित, पड़ोसी राज्यों से बनेगा बेहतर सड़क संपर्क। BCCI चीफ सौरभ गांगुली को मिली अस्पताल से छुट्टी, 3 दिन पहले हुई थी एंजियोप्लास्टी। पटना में अपराधियों ने सब इंस्पेक्टर को मारी गोली, ड्यूटी के दौरान घटना को दिया अंजाम, किया गया PMCH रेफर। दिल्ली पुलिस ने पत्रकार मनदीप पुनिया को किया गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद भेजे गए तिहाड़। खेल इतिहास की सबसे बड़ी डील, मेसी ने 2017 में बार्सिलोना से 4,900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, साइन स्पेनिश अखबार ने किया खुलासा।